अस्सलाम वालेकुम। अगर आपकी पेस्टिसाइड या एग्रीकल्चर की शॉप है तो ये सॉफ्टवेयर आपके लिए है। इस सॉफ्टवेयर में आप मल्टीपल यूजर से लॉगिन कर सकते हैं एट अ टाइम, और ये फुली ऑफलाइन है और इजी टू यूज़ है। ठीक है, सबसे पहले हम लॉगिन करते हैं, टाइम बचाते हैं क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबी होगी तो लोग वीडियो नहीं देखते। तो ये देखें, हम एडमिन से लॉगिन करेंगे। बाई डिफ़ॉल्ट जो यूज़र नेम होता है एडमिन और पासवर्ड होता है 1, एंटर प्रेस करेंगे तो हम लॉगिन हो जाएंगे। सबसे पहले हम देखेंगे जी प्रोडक्ट वगैरह हम किस तरह ऐड करेंगे, एडिट करेंगे। ठीक है जी, फाइल में जाएंगे, फिर हम जाएंगे स्टॉक, ऐड न्यू आइटम। ठीक है जी, इसके बाद अगर आप देखें तो लिस्ट में जाएं तो मैंने दो आइटम्स यहाँ पे ऐड किए हुए हैं और इनको आप एडिट पे क्लिक करें तो ये देखें। सबसे पहले हम कैटेगरी डिफाइन करते हैं कि ये क्या चीज़ है, फर्टिलाइज़र या पेस्टिसाइड, जो भी आपने कैटेगरी बनानी है वो बना सकते हैं। प्लस पर क्लिक करेंगे तो आप जो भी कैटेगरी से नया बना सकते हैं। उसके बाद अगर हम देखें जी, इसके बाद कैटेगरी फर्टिलाइज़र, इसमें हम बारकोड दिया हुआ है हमने, आप बारकोड स्कैन कर सकते हैं। ये अगर नहीं करना चाहते तो आप इसको स्किप कर देते हैं। उसके बाद ये प्रोडक्ट नेम है, जैसे हमने लिखा हुआ है ज़बरदस्त यूरिया 50 kg एग्रो फर्टिलाइज़र। ठीक है जी, उसके बाद जी इसका फार्मूला हमने लिखा हुआ है। उसके बाद जी मैनुफैक्चर मीन्स के इसका जो मैनुफैक्चर कौन है वो है जी एग्रो फर्टिलाइज़र। उसके बाद अगर आप देखें एक पैक में एक पीस होता है। इसकी जो ट्रेड प्राइस है, जो हमारी जो है कीमतें खरीद 3000 रुपया और कीमतें फ़रोख थी हमने लिखी हुई 3210 रुपये। उसके बाद अलर्ट क्वान्टिटी, मतलब कि अगर हमने यहाँ पर लिखा हुआ 10, अगर हमारा जो प्रोडक्ट है 10 या 10 से कम इसकी जो क्वांटिटी होगी तो सिस्टम हमें अलर्ट शो करेगा कि आपको ये स्टॉक ख़त्म होने वाला है। उसके बाद रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर लेवल ये होता है कि अगर आपने ऑटो ऑर्डर बनाना हो इसमें ऑटोमेटिकली, तो आप मैक्सिमम कितने जो है ना इसकी क्वांटिटी ये बनाए ऑर्डर। ठीक है जी, वहाँ पर आप 5, 10 जितने भी देना चाहें दे सकते हैं। उसके बाद अगर आप देखें हमने क्वांटिटी यहाँ पर दे सकते हैं कि हमारे पास इस वक्त 5 अवेलेबल है, और हमने यहाँ पे क्वांटिटी जो है हम नया प्रोडक्ट ऐड करते हैं तो यहाँ पे हमने जो क्वांटिटी वगैरह भी देते हैं यहाँ पे कितनी हमारे पास क्वांटिटी अवेलेबल है अपनी क्वांटिटी। ठीक है जी, उसके बाद ओवरली हमने एक प्रोडक्ट ऐड किया है, देखें ये इसकी कैटेगरी है जी पेस्टिसाइड्स। ठीक है, और ये इसका बारकोड ये देखें शेंगडा, ये जो भी है इसका जो फार्मूला लिखा हुआ है हमने, इसका जो मैनुफैक्चर लिखा हुआ है, और एक पैक में कितने पीस होते हैं, और इसकी ट्रेड सेल। ठीक है जी, बहुत आसान है, इजीली आपके सामने एक न्यू आइटम ऐड करके दिखाता हूँ आपको। इसकी जो है अगर हम यहाँ पर देखें जी, एक यहाँ पे आइटम है मेथ्री सीड है, क्योंकि आप इसकी जो सीड्स हैं जी, ठीक है जी, इसको हम कॉपी कर लेते हैं टाइम बचाने के लिए। देखिए इसके पास सीड्स, इसकी कैटेगरी है सीड्स। ठीक है, कैटेगरी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, कैटेगरी अवेलेबल नहीं होगी तो हम प्लस पर क्लिक करेंगे और यहीं अपनी जो कैटेगरी है नहीं बना लेंगे। जैसे मैंने सीड्स कैटेगरी बना ली, ठीक है जी, कैटेगरी यहाँ पर मैंने बना ली और कैटेगरी मैं ऐसा चूज़ करूँगा सीड्स। ठीक है जी, बारकोड मैं देना चाहूँ दे सकता हूँ, मैं स्किप भी कर सकता हूँ। अगर मेरे से बारकोड नहीं है तो मैं ऑटो जनरेट करूँगा, सिस्टम एक ऑटोमेटिक बारकोड बना देगा। प्रोडक्ट नेम में मैं इसका जो प्रोडक्ट है वो नेम पेस्ट कर दूँगा, जैसे मैंने लिखा मेथी सीड 2 kg। ठीक है जी, ये देखें मुकम्मल, आप जैसा नाम चाहे लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने ये नाम लिख दिया। मैनुफैक्चर देखें, इसका जो मैनुफैक्चर है वो हमारे, हम देखें कि कौन सा मैनुफैक्चर इसका जी है, वो है जी किसान आरत। ठीक है जी, इसी तरह आप जो प्रोडक्ट वगैरह आपने ऐड करेंगे तो आपको आपके पास आइटम अवेलेबल होंगे, आप देख सकते हैं उसमें से। तो मैं आपको इसलिए वह बता रहा हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए प्रोडक्ट किस तरह ऐड करने हैं। यहाँ पे मैनुफैक्चर देखें, मेरे पास अवेलेबल नहीं है, जो चीज़ अवेलेबल नहीं होगी प्लस के बटन पर हम क्लिक करेंगे और उसको 1 टाइम हम सेव कर लेंगे, नेक्स्ट टाइम उसको हम यूज़ कर सकते हैं। देखिए मैंने किसान वाला चूज़ कर लिया। उसके बाद एक पैक में कितने पीस होते हैं, एक ट्रेड प्राइस मैं लिख दूंगा कि मेरे पास इसकी कीमतें खरीद कितनी है। मैं अंदाजन देता हूँ जी, मेरे पास 500 रुपये की कीमतें खरीद। उसके बाद जो सेल प्राइस है यहाँ पे इसकी 595, वो मैं बताता हूँ जी, मेरे पास 5 अगर रेंज हो तो मुझे सिस्टम अलर्ट शो करे। अगर मैं पिक्चर अटैच करना चाहता हूँ वो भी कर सकता हूँ मैं अटैच। ठीक है जी, जैसे मैं ये पिक्चर इसके अटैच कर देता हूँ, देखिए इस तरह आप अटैच कर सकते हैं। इसको आप सेव कर देंगे, सेव करने के बाद आप यहाँ पर बता सकते हैं आपके पास कि ये कितनी इसकी क्वांटिटी अवेलेबल है। मैं कहता हूँ मेरे पास ये 10 इसके पीस अवेलेबल हैं, तो मैं इसको अपडेट ओपनिंग स्टॉक पर क्लिक कर दूंगा तो ये मेरा जो स्टॉक है वो अपडेट हो चुका है। ठीक है जी, अब अगर आप रिफ्रेश करें इसको तो आपके पास ये प्रोडक्ट यहाँ पे देखें शो हो रहा है मेथी सीड। ठीक है जी, इसको आप एडिट भी कर सकते हैं, कोई चेंजिंग करनी हो आपने इसमें, और इसको रिमूव भी कर सकते हैं। चलते हैं जी सेल की तरफ, सेल किस तरह करेंगे हम, सेल के लिए हम फाइल में जाएंगे और यहाँ पर सेल, सेल विंडो। ठीक है जी, बहुत आसान इंटरफेस है, हम यहाँ पर कस्टमर जो है वो अपना जो है बना भी सकते हैं। देखिए मैंने कोई कस्टमर नहीं बनाया हुआ, प्लस पे क्लिक करेंगे तो अपना जो कस्टमर है उसका फ़ोन एड्रेस ओपनिंग बैलेंस उसका सिटी एरिया आप ये डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है जी, और अगर आप कस्टमर ही बनाना चाहते हो आप बाय डिफ़ॉल्ट जो कैश सेल कस्टमर होता है आप कस्टमर का नाम भी यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद ये आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपके पास जो भी प्रोडक्ट हैं आपके वहाँ पे शो हो रहे हैं। ठीक है जी, इसको आप अगर आपने बारकोड से सर्च स्कैन करना है तो आप ये देखें आपके पास बारकोड का शो हो रहा है, यहाँ पर आप स्कैन करेंगे तो ये प्रोडक्ट
क्या जिनका बारकोड मैच हो जाएगा तो यहाँ पर आपको डिस्प्ले करेगा। अभी इसको हम मैनुअली सेल करते हैं, जैसा कि हम एक ज़बरदस्त चूड़िया जो है ये एक पीस सेल करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं जी हमारे पास मेथी सीड है, इसका हम दो पीस सेल करते हैं। हम डिस्काउंट देना चाहते हैं, हम इसमें हम तो डिस्काउंट भी दे सकते हैं, जैसे मैं कहता हूँ 10 रुपये मैंने डिस्काउंट दे दिया, और इसमें परसेंट के हिसाब से भी डिस्काउंट दे सकते हैं, जैसे कि मैंने इस ज़बरदस्त में 2% डिस्काउंट दे दिया, ठीक है जी, उसके हिसाब से माइनस हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हम पेमेंट एंटर करने के लिए F2 प्रेस करेंगे, कस्टमर ने हमने कितने कितने हमें कस्टमर ने पे किए, और हम यहाँ पे 5,000 लिखते हैं तो हमें बताएगा सिस्टम कि हमने इससे इतने पैसे कस्टमर को वापस देने हैं। अगर ऐसा होता है कि कस्टमर आपसे उधार करते हैं, वो कहते हैं कि कस्टमर कहता है कि मेरे से 2,000 ले लें, तो बाकी देखें कस्टमर का जो ड्यू शो कर रहा है, कस्टमर ने इतने आपको देने हैं। अगर आपने कस्टमर का खाता मैनेज करना है तो आपको कस्टमर को पहले डिफाइन करना होगा, बनाना होगा कस्टमर को, फिर ही आप उसका अगेंस्ट खाता बना सकते हैं। अभी मैं फर्ज करता हूँ कि मेरे पास कस्टमर ने 5,000 रुपया मुझे दिया है, मैं कंट्रोल एस प्रेस करूँगा जी, सेव सेल, कहते डू यू वांट टू प्रिंट शिफ्ट, क्या आप पर्ची निकालना चाहते हैं, मैं कहूँ यस, तो मेरे पास पीडीएफ में एक प्रिंट निकलेगा, मैं आपको चेक करवाता हूँ। ये देखिए जी मैंने पीडीएफ में फाइल ओपन कर ली, इस तरह आपकी जो पर्ची छोटी निकलेगी थर्मल पे, अगर आप चाहते हैं A4 पे निकले, फुल साइज निकले, वो भी आप सेटिंग में चेंज करके निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपकी शॉप का नेम आएगा, एड्रेस आएगा, फ़ोन नंबर आएगा, इनवॉइस नंबर आएगा जी, सेल टाइप आएगी जी, सेल टाइप कैश है या दूसरी है क्रेडिट, डेट आएगी, टाइम आएगा, यूज़र का नेम आएगा जो यूज़र बिल बना रहा है, कस्टमर का नाम, अगर आप यहाँ पे फ़ोन नंबर कस्टमर और नाम देंगे तो वो यहाँ पे भी शो हो जाएगा। सब प्रोडक्ट कौन से आपने सेल किए, ये देखें, ये मेथी सीड आ रहा जी, 595 रेट था, 2 क्वान्टिटी आपने सेल की, 10 रुपये डिस्काउंट दिए, इतना बन के टोटल। इसी तरह आइटम काउंट कितनी आइटम थी, 2 आइटम थी, ग्रोस टोटल कितना बना, डिस्काउंट कितना दिया आपने, 74 रुपीज़ मुकम्मल, और नेटवर्क कितना बन गया जी इतना, और कस्टमर कितने पे किए, और कस्टमर का जो बैलेंस है वो कितना, ठीक है जी। इस तरह आपकी जो रिसिप्ट है वो निकलेगी, और आप किसी भी इनवॉइस को आपने जो बना चुके हैं उसको आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं, उसमें चेंजिंग भी कर सकते हैं, उसको रीप्रिंट भी कर सकते हैं, उसको कॉपी भी कर सकते हैं, ठीक है जी। आपकी जो जो भी सेल्स होंगी तो आपको यहाँ पर शो हो रही होंगी सेल हिस्ट्री के अंदर आके, आपकी आज की जो भी सेल्स हैं। देखिए अगर मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ऑप्शन आता है रीप्रिंट, मैं पर्ची दोबारा निकाल सकता हूँ, मॉडिफाई कर सकता हूँ, इसको कॉपी कर सकता हूँ, रिटर्न कर सकता हूँ, ठीक है जी। अगर मॉडिफाई क्लिक करूँ तो उसमें उसको मैं चेंजिंग कर सकता हूँ, इसमें जो भी मैंने चेंजिंग करनी है तो उसमें वो मैं कर सकता हूँ, ठीक है, इजीली, ठीक है जी। और काफ़ी फीचर है इसमें, अगर ज़्यादा डिस्कस करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। और आपकी जो सेल हिस्ट्री मुकम्मल, आपका जो डिटेल आ रही है, कस्टमर का नेम वगैरह, ATC मुकम्मल आपकी यहाँ पर डिटेल आ रही होगी, ठीक है जी, किसी डेट के बिटवीन भी आप सर्च कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम जाएँ परचेज और सोली सेल रिटर्न में जाएँ तो सेल रिटर्न किस तरह कर सकते हैं आप, सेल रिटर्न के लिए आप यहाँ पे इनवॉइस नंबर लिखेंगे, जो भी कस्टमर आपके पास इनवॉइस लेके आया है, जो आप एंटर प्रेस करेंगे, जो भी चीज़ रिटर्न करनी है उस पर इस तरह ऐड कर देंगे, और यहाँ पे जितनी क्वान्टी हमें रिटर्न करनी है तो हम यहाँ पे लिख देंगे। अगर यहाँ पे हमने 2 करनी है, 3 करनी है, अभी यहाँ पे देखें आपने 1 सोल्ड की तो आप 1 ही रिटर्न कर सकते हैं, तो उसको सेव करेंगे तो ये आपकी जो क्वान्टी है जी रिटर्न हो जाएगी, और रिटर्न की जो है ना स्लिप भी आप निकाल सकते हैं। उसके बाद हम परचेज़ किस तरह करेंगे जी, परचेज़ में जाकर ऐड परचेज़ पे क्लिक करेंगे। देख सबसे पहले हम इन्वॉइस नंबर ऐड करेंगे, क्योंकि जब भी सप्लायर से माल आता है उस पर एक इन्वॉइस होती है, तो वो आप ऐड करेंगे। अगर इन्वॉइस नहीं है तो आप अपने से अपनी अपने से वो इन्वॉइस यहाँ पर ऐड कर, जैसे 1, 2, 3, या आप अपनी इन्वॉइस बना सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। मैं सपोज़ करता हूँ 1, 2, 3 इन्वॉइस है। सप्लायर चूज़ करेंगे, सप्लायर जो है आपको कौन माल सप्लाई कर रहा है। देखिए मेरे पास एक सप्लायर सेव है डेमो, तो मैं जितने चाहे सप्लायर बना सकता हूँ, ठीक है जी। सप्लायर फ़ोन एड्रेस देकर मैं सप्लायर को सेव कर सकता हूँ। उसके बाद जी मैं प्रोडक्ट मेरे पास मैंने क्या कौन से परचेज़ करने हैं, और अगर मैं यहाँ पे देखूँ यूरिया, देखें मैं कहता हूँ कि मेरे पास इसके जो हैं 2 पीसों मज़ीद आए हैं, तो मैंने ये 2 कर लिया। इसके बाद अगर मैं कीमत चेंज करना चाहूँ, कीमत चेंज भी कर सकता हूँ यहाँ पर, ट्रेड और सेल प्राइस, ठीक है। उसके मेरे पास बोनस कितना आया, डिस्काउंट कितना आया, टैक्स वगैरह, आप एक्सपायरी और इसका बैच वगैरह भी आप मेंटेन कर सकते हैं। एंटर दोबारा प्रेस करेंगे तो आप बताएंगे और कौन से प्रोडक्ट हैं जी। मेरा कहता हूँ जो मेरे पास जो मेथी सीड्स हैं ये भी 2 आए हैं, ठीक है जी। इसको आप कंट्रोल एस प्रेस करके सेव करेंगे, ये आपकी इनवॉइस सेव हो जाएगी। और आपका आपका स्टॉक देखें तो आपका देखें आपने ज़बरदस्त जुड़िया 2 और ऐड किए थे, 7 हो गए, और आपने ये भी मेथी भी सीड 2 ऐड किए थे और वो 10 हो गए यहाँ पर, ठीक है जी। और इस इनवॉइस को आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं, अपनी परचेज इनवॉइस को भी आप चेंजिंग कर सकते हैं इसके अंदर। 1, 2, 3 जैसे मैंने लिखा इनवॉइस फेच करूँगा तो मेरे पास ये इनवॉइस वैसे वापस आ गई है, उसको मैं चेंज वगैरह कर सकता हूँ, ठीक है जी। इसी तरह मैं परचेज रिटर्न भी कर सकता हूँ, जिस तरह मैंने सेल रिटर्न की, बहुत आसान है। यहाँ पर मैं वही इनवॉइस जिस तरह मैंने यहाँ पर 1, 2, 3 लिखी, तो मैं यहाँ पर आइटम को रिटर्न वगैरह कर सकता हूँ।
ठीक है जी, हम जल्दी से ओवरव्यू बाकी ले लेते हैं। बेसिक डाटा में हम मैन्युफैक्चर वगैरह ऐड कर सकते हैं, उसके बाद कैटेगरीज ऐड कर सकते हैं, एक्सपेंस अगर हमारे जो एक्सपेंस है डेली के अखराजात तो वो भी हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं अपनी एक्सपेंस बुक में, जैसा कि बिजली का बिल, ETC, वो जो रिपेयर वगैरह ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी, उसके बाद हमारे पास है जी एक्सपेंस टाइप ऐड, सेल्समैन ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी, रैक्स ऐड कर सकते हैं, सिटी वगैरह ऐड कर सकते हैं और एरिया वगैरह ऐड कर सकते हैं, अगर आपका सिटीज एरिया में माल सप्लाई होता है तो आप ये चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद स्टॉक में देखिए ऐड न्यू आइटम ऐड कर सकते हैं और इम्पोर्ट आइटम्स, अगर आप एक्सेल से आइटम जो है ना वो इम्पोर्ट करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है जी, एक्सेल फाइल से भी इम्पोर्ट कर सकते हैं आप। उसके बाद जी आप देखें स्टॉक में प्रिंट स्टॉक बारकोड लेबल्स। ठीक है जी, अब आपने अगर कस्टम बारकोड जो है वो बनाए हैं, देखिए जैसे अगर आपके पास जो कस्टम बारकोड आपने बनाए हैं तो आप चाहते हैं कि आप उन बारकोड्स को प्रिंट करें, तो आप बारकोड सारे जो आइटम्स लोड कर लेंगे, बताएंगे कितनी कॉपी आपने प्रिंट करनी है, तो आप प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो आपके सारी जो कॉपीज़ हैं बारकोड की स्टिकर निकालेंगे बार, फिर आप उसको अपने प्रोडक्ट पर लगा सकते हैं। ठीक है जी, जिस पे बारकोड नहीं है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे जहाँ पे जाएँ प्रिंट प्राइस एडजस्टमेंट, आप प्राइस को एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, उसके बाद आप देखें आप स्टॉक को भी एडजस्टमेंट कर सकते हैं स्टॉक की। ठीक है जी, अगर आप कुछ सेल वगैरह आपने नहीं की कुछ या सेल करना भूल गए हैं तो आप उसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद स्टॉक ऑडिट कर सकते हैं, स्टॉक ट्रांसफ़र कर सकते हैं, सेल में सेल कर सकते हैं, सेल रिटर्न कर सकते हैं, सेल हिस्ट्री है और कोटेशन बना सकते हैं, एस्टिमेट बिल भी बना सकते हैं कस्टमर के लिए। ठीक है जी, उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें परचेज ऐड परचेज कर सकते हैं और ओपनिंग परचेज ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी, परचेज रिटर्न कर सकते हैं और परचेज ऑर्डर बना सकते हैं। ठीक है जी, इसके ऑर्डर देखें दो तीन ऑप्शन है ऑर्डर के फ़िल्टर कर सकते हैं हम, पता है जीरो से लेकर जो है ना जिसकी क्वान्टिटी 5 है तो उनका ये ऑर्डर बना दे तो फिर उनका ये ऑर्डर बना देगा। ठीक है, अगर उसके बाद ही री ऑर्डर लेवल। ठीक है जी, देखें इसने ऑटो ऑर्डर बना दिया। ठीक है जी, इस तरह आप ऑर्डर भी बना सकते हैं, ऑर्डर भी और इसको मैनुअल भी बना सकते हैं आप। ठीक है जी, अगर आप चाहते हैं कि मैंने ये ऑर्डर बनाना है, परचेज ऑर्डर जो भी आप बनाना चाहते हैं वो आप बना सकते हैं। ठीक है, इसको प्रिंट आउट भी कर सकते हैं, सप्लायर के पास इसको सेंड कर सकते हैं। उसके बाद कस्टमर देखें, कस्टमर हम न्यू ऐड कर सकते हैं जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। उसके बाद इसके यूज़र हैं, यूज़र के ऑप्शन है, यूज़र बना सकते हैं, नए यूज़र बना सकते हैं, उनको मॉडिफाई कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, यूज़र रोल मैनेजमेंट कर सकते हैं, मीन्स कि किसी यूज़र को राइट अलाउ अपने अपने करने हैं कि वो देखें कि सेल कर सके या ना कर सके ATC, तो सब सारे जो भी रोल्स हैं देखें सेल रिटर्न या कुछ आपने अलाउ करना है यूज़र को या कुछ क्या अलाउ नहीं करना, अगर आप एडमिन हैं तो आप सब कुछ रोल उसको डिसेबल भी कर सकते हैं। उसके बाद ये हमारे पास अकाउंट सिस्टम है जी, हम अकाउंट सिस्टम भी इसमें चार्ट ऑफ अकाउंट भी मैनेज कर सकते हैं। ये जैसा कि हम देखें वाउचर है, कैश रिसीव वाउचर है, कैश पेमेंट वाउचर, मुकम्मल अकाउंटिंग सिस्टम इसमें मौजूद है। मिसनीस में अगर आप जाएँ कोटेशन बना सकते हैं, प्रोडक्ट इंपोर्ट कर सकते हैं, रिकवरी कर सकते हैं जी, जो भी हमने जो उधार खाता है हमारा तो उसके अगेंस्ट जो है रिकवरी वगैरह हम कर सकते हैं कस्टमर की। और उसके बाद SMS सेंड कर सकते हैं। ठीक है जी, आप किसी कस्टमर को SMS सेंड करना चाहें या किसी को वो भी कर सकते हैं। ठीक है जी, उसके बाद अगर आप जब सेल करते हैं तो उसमें ऑटो SMS का जो है ना मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ। ये देखें सेटिंग में जाकर आपको जो है ना फोटो टेक्स्ट सेट कर सकते हैं। उसके बाद आप मैनेज एक्सपायरी वगैरह सभी सेटिंग वगैरह आप चेंज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप जब सेल करें तो ऑटोमेटिक कस्टमर को ऑटो SMS चला दे तो भी आप कर सकते हैं, और आप ये चाहते हैं कि जो भी कस्टमर ने हमारा उधार देना है तो उनको भी ऑटो SMS चला दे, वो भी हो जाएगा। उसके रिपोर्ट देखें, काफ़ी रिपोर्ट्स हैं इसमें, स्टॉक रिपोर्ट अगर आप देखें आपके पास काफ़ी जो है ना वैरायटी है स्टॉक रिपोर्ट अगर आप देखें यहाँ पर तो मुकम्मल ये डिटेल रिपोर्ट है। ठीक है, ये A to Z सब कुछ है, आप इसमें आपको बताएगा। समरी रिपोर्ट देखें हम, इसके बाद देखें ये भी स्टॉक रिपोर्ट है, इसको आप प्रिंट आउट कर सकते हैं और इसमें देखें आपको स्टॉक वैल्यू कितनी है और कितना मुनाफा हो सकता है आपको, मुकम्मल डिटेल आपको यहाँ पे शो कर रहा है। इसके बाद काफ़ी इसमें रिपोर्ट्स हैं जो हम डिस्कस नहीं कर सकते अभी, वीडियो तो काफ़ी लंबी हो जाएगी। देखें स्टॉक समरी रिपोर्ट है, स्टॉक मार्जिन रिपोर्ट, एक्सपायरी रिपोर्ट है, लो लेवल रिपोर्ट और आप अवेलेबल स्टॉक रिपोर्ट है, स्टॉक लेजर है, आउट ऑफ स्टॉक रिपोर्ट, एडजस्टमेंट रिपोर्ट, मुकम्मल जो है ना रिपोर्ट इसमें मौजूद है। सेल रिपोर्ट में देखें आप सेल रिपोर्ट है, उसके बाद सेल समरी रिपोर्ट है, सेल रिटर्न रिपोर्ट है। ठीक है जी, मुकम्मल इसमें रिपोर्ट्स है, कितना मुनाफा हुआ, कितना प्रिंट भी कर सकते हैं, इसको PDF में एक्सपोर्ट कर सकते हैं एक्सेल में, तो मुकम्मल आपको A to Z आपको मुकम्मल डिटेल। उसके बाद इसमें हर फीचर जो है ना मिलेगा आपको, अकाउंट रिपोर्ट्स हैं, सप्लाई रिपोर्ट्स हैं, कस्टमर रिपोर्ट्स हैं, कस्टमर बैलेंस रिपोर्ट है। ठीक है जी, कस्टमर ने जो आप वो भी कस्टमर होगा तो उनकी जो बैलेंस वगैरह आपको यहाँ पर शो होगा, कितना उन्होंने बकाया देना, उनको SMS भी आप सेंड कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास बैकअप ले सकते हैं आप,
ठीक है जी, कभी भी आप डाटा सिक्योर कर सकते हैं अपना। और काफ़ी इसमें फीचर मौजूद हैं जो एक मुकम्मल जो है ना शॉप को मोटराइज करने के लिए सॉफ्टवेयर बेहतरीन है। इजी टू यूज़ इंटरफेस है, बहुत आसान है इंटरफेस। तो एक ना आप समझ लें कि 5 ही पास भी जो है बच्चा है या कोई भी इसको आपने बिठाया हुआ है तो वो भी सॉफ्टवेयर को इजीली यूज़ कर सकता है, छोटा बच्चा भी यूज़ कर सकता है। तो इसमें कोई ऐसे नहीं कि एक एजुकेटेड होना चाहिए पर्सन, तो कोई भी इसको इजीली यूज़ कर सकता है। देखिए बहुत आसान इंटरफेस है और बहुत ही इजी टू यूज़ है ये। ठीक है जी, मज़ीद डिटेल आपको चाहिए हो तो अपना को नंबर शो हो रहा होगा, रब्ता कर सकते हैं। आपको परचेज़ करना हो तो तभी आप रब्ता कर सकते हैं, आपको नंबर नीचे शो हो रहा होगा। और ये हम लाइफ टाइम के लिए देते हैं, कोई मंथली ईयरली फीस नहीं लेते। ठीक है जी, लाइफ टाइम हमारी सपोर्ट होती है और फ्री इंस्टॉलेशन होती है। तो कभी भी आप रब्ता कर सकते हैं। तो वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।